थ्री रिपेयर, लेवल थ्री रिपेयर है और लेवल फाइव तक रिपेयरिंग होती है, आपको भी पता होगी। इसके बाद आपको इस पे आती है आईसी लेवल पे जो है वर्क करना पड़ता है, आईसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो हमारा लास्ट होता है लेवल फाइव तक होता है। ये लेवल थ्री की है जो है, और यहाँ तक आते जाते हैं इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं निपट जाते हैं, बस वो साफ सफाई उस उतना ही करना आता है हमारे उसकी वजह। चलिए इसमें हम दोनों हम लोग कुछ देखते हैं। तो आपको सामने लिखा है सीधे सीधा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, वो नंबर वाला नहीं, नंबर ब्लॉक कर दिया, वो नंबर ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक डायग्राम ब्लू प्रिंट यानी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं U101 क्या है, क्या है उससे मैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो पता भी चल जाएगा क्या है U101। क्रिस्टल है, बहुत सही, बहुत सिंपल लगा, कहा बताओ पहले थोड़ा जूम कर लेते, ये U101 क्या है, ये U मतलब IC, U का मतलब IC, ये किस चीज के IC है, नेटवर्क IC है, क्या बात है, नेटवर्क किसने कह दिया, RTG क्रिस्टल है, यानी कि ये क्या है, एक आईसी है, एफएम को भी कंट्रोलिंग कर रही है, रीसेट एफएम का पूरा दिया है, और 32 किलो हर्ट्ज क्या है डिजिटल सिग्नल भी इसको दे रही है। अब इसके बारे में पूर्णता जानकारी चाहिए, जैसे आपने कह दिया कि हमारे मामा जी भूपा जी ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, पूरी जन्म डिटेली हमको उनको की जो है निकालनी है, तो क्या करो इनको यहाँ से कॉपी करो, U101 कॉपी किया, ऊपर फाइंड है डाल दो कंट्रोल एफ, यहाँ पर फाइंड नहीं है तो कंट्रोल एफ दबाओ और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, टेस्ट कर दो, ये है और इससे कल लगी है मदरबोर्ड में, आप यहाँ पे भी पूरी तरीके से नहीं दिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसकी कॉपी कर लेते हैं नीचे वाले, जिसके बारे में आपको जानना है उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना, सीधी सी बात। नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अब हम आगे और देखेंगे U101 कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं बता रहा आइडेंटिटी अपनी हम क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे ईयरफोन जैक कंट्रोलिंग कौन करता है, ईयरफोन जैक आई सीधी सीधी इससे भी कंट्रोलिंग हो रही है, ठीक है, ग्राउंड क्या है GND डायरेक्ट सीपीयू हो रहा है, लेकिन बीच में भी और भी कई सारी चीजें लगी हैं जिनको ये छोटी छोटी आईसी के रूप में कंट्रोलिंग, इसके बाद सीपीयू कंट्रोलिंग है ना। अगर हम बात करें माइक की, रिसीवर की, मोटर की, ठीक है, एंड टॉर्च की, तो कौन सी कंट्रोलिंग करता है, सीपीयू, ऑन ऑफ वाली बटन सीधा सीधा दिया गया, पावर की, ठीक है, कीपैड एलईडी, जो कीपैड एलईडी कौन कर रहा है, सीपीयू, डिस्प्ले एलईडी, सीपीयू, ये दिया ऑसिलेटर क्रिस्टल 26 मेगा हर्ट्ज का, किस पे कंट्रोलिंग है इसकी, सीपीयू, ऐसी आप सब चीजें देख लो, सब चीजें यहाँ पे खुद बता रहे हैं अपने आप। सिम की बात करें तो सिम कंट्रोलिंग सीपीयू से। अगर हम बात करें एंटीना जो होता है उसकी सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाता है, एंटीना से RSF 100, ये याद नहीं करना है RSF 100 क्या है, PAM 100 पैम, ठीक है, ये याद नहीं करना, झंडू बाम पाम करके तुम लगाओ, ठीक है, याद नहीं करना, कोडिंग दी गई। इसके बाद ये फिल्टर दिया गया है RF 100, इसके कंट्रोलिंग कहाँ से, CPU से, ठीक, ये ब्लॉक डायग्राम है। अब हम चलते हैं सेक्शन बाई सेक्शन। अब ये नहीं कि आपके पास मोबाइल है चार्जिंग की प्रॉब्लम का या नेटवर्क की प्रॉब्लम का, आप उसका सीपीयू चेक कर रहे हो, यार भाई जो प्रॉब्लम आएगी उसी सेक्शन को आपको ट्रेस करना है, सिंपल चीज है ये, तमाम चीजें नहीं चेक करनी है, ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं कहाँ से क्या है, आप देख के समझ सकते हो कि पता चलेगा भाई हमको अच्छा नेटवर्क की दिक्कत है तो हम सीधा सीपीयू पे लगे पड़े हो, नहीं देखो ना स्टेप बाई स्टेप चीजें कनेक्टेड, लास्ट में सीपीयू आएगा भाई, प्रथम तभी होगा ना कि पहले टैबलेट खरीद इंजेक्शन, ठीक है, फिर डॉक्टर को और दिखाओगे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओगे तब जाके प्रथम होगा ना, ठीक है, यही तो है सर, अभी तो इसमें तो ये सीधे सीधे दिखाई ना कि ये हां ये भी सीधे सीधे दिखाया है, ये ब्लू प्रिंट है, अब आएगा टेढ़ा वाला, ठीक है, इसमें पार्ट्स लगे, हाँ पार्ट्स लगे होते हैं, ये आपका मदरबोर्ड है, BTS-10E है, ठीक है, ये कंपोनेंट पूरे दिए गए हैं यहाँ पे, जूम करके देखोगे सब दिखाई देंगे,
चलेगी मदरबोर्ड पे और कहाँ पे क्या लगा है अभी समझ में। तो पहले ये खुद ही बताएगा अपने को उनको करना है पावर ऑन नहीं हो रहा है, क्या कह रहा है ये, अगर पावर ऑन नहीं हो रहा तो ये खुद बता रहा है कि हम क्या करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है चेक बैटरी वोल्टेज कितना मोर देन कितना 3.4 वोल्ट, कितना चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, टीपी यानी कि टेस्ट पॉइंट, क्या है टेस्ट पॉइंट C101 नाम के याद नहीं करना, सी का मतलब कैपेसिटर 101 नंबर वाला, ठीक है, C102 कैपेसिटर 102, C104 और ZD यानी जिनर डायोड 100, ये चार कंपोनेंट आपको 3.4 की सप्लाई चाहिए। सप्लाई अगर नहीं आ रही है तो क्या करना है, चेंज द बैटरी बिकॉज ऑफ द बैटरी पावर लो, क्या है बैटरी पावर उसकी लो है, तो आप पहले तो बैटरी चेक कर लोगे नॉर्मली, बैटरी का चार्ज है फिर इन पे चेक करोगे, अब इन पे चेक करोगे यहाँ तो आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है लेकिन मदरबोर्ड में कहाँ पे लगा है, सिंपल चीज है, यहाँ से कॉपी करोगे, मैं चेक करना C101 उठा लिया यहाँ से C101 कॉपी किया, फैन पे आए कंट्रोल V, ठीक है इंटर, यहां पे लगा है C101 क्या लगा है C101 और यहां पे क्या लिखा है वी बैट, क्या लिखा है वी बैट यानी कि बैटरी पे जो सप्लाई आएगी यानी कि बैटरी एंटर पे जो सप्लाई आएगी वो कहां पे आएगी C101 पे, और उसका एक सिरा क्या है ग्राउंड दिया गया और एक सिरा वी बैट से कनेक्टेड है, यानी कि बैटरी पे जो वोल्टेज आएगा इस पे भी वोल्टेज आएगा, तभी तो कह रहा बैटरी को लो है और चेंज कर सकता है। अब ये मदरबोर्ड में कहां पे लगा, एक बार मदरबोर्ड में ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है ये लगा है, ये मदरबोर्ड पर रखोगे उस पे लगा दो, इस पर इसका एक सिरा क्या है ग्राउंड है और इस पे कितना वोल्टेज चेक करेंगे सरदार जी 3.7 से लेके 4.2 आ गया, बस समझ में यहां तक ऐसे समझना पड़े। चलिए फिर हम एक बार ऊपर आते हैं, दिखाएगा चूची चाहिए उठा लो आकर, ऐसे दूसरा चेक कर सकते हो, जिनर डायोड चेक कर सकते हो, नहीं तो बैटरी बदल सकते हो, पर तो तुमको खुद ही बता रहा क्या क्या तुम्हें बदलना है। इसके बाद क्या कर रहा है, ये अगर सही है बैटरी वोल्टेज आ रहा है तो क्या करना है, चेक द क्लॉक ऑसिलेटर 101 यानी कि क्रिस्टल आपको चेक करना है, कितने एक नंबर और तीन नंबर पिन पे कितना चेक करोगे 26 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और इसका नाम दिया गया है टेस्ट पॉइंट OLC 101 ऑसिलेटर, ठीक है 101 कहाँ पे लगा है चेक करना है मदरबोर्ड पे, कॉपी कर लो OLC 101 भाई जो चीज चाहिए आपको चेक करनी है पता करना है भाई, यहाँ तो लिस्ट थी मदरबोर्ड में नहीं पता कहाँ लगा है, कंट्रोल बी कर दो, कंट्रोल बी हाँ पेस्ट करना है, ये लगा है क्रिस्टल एक नंबर पे और तीन नंबर पे चेक करो, पिन नंबर दो और चार क्या है चार नंबर दो नंबर क्या है ये ग्राउंड दी गई, ठीक है इससे सिग्नल यहाँ से निकल रहा है अभी यहाँ से जा रहा है, अभी मदरबोर्ड में कहाँ पे लगा है ये लगा है यहाँ पे लगा है ऑसिलेटर OLC 101 अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा कठिन है दो तीन बार में समझ में आएगा, ऐसे नहीं जल्दी समझ में आएगा, ऐसे में आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कितनी जल्दी पढ़ा आ रहा समझ में, और ये देखो सीधा कहां से लगा है 26 मेगाहर्ट्ज सीधा जाके सीपीयू से कनेक्टेड है, यहां पे क्या दिया गया है वो LC 101, ठीक है चाहिए कोड डाल दो चाहिए कोड डाल दो, आपको भी पता है क्रिस्टल आपका 26 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है, ठीक अगर फोन ऑन नहीं हो रहा तो इसको क्या करना है बदल सकते हो, आपको जो फाइल पैंडिंग बताया उसमें दिखाया गया होगा तो बता देंगे, अगर यहाँ पे ये सिस्टम नहीं आ रहा तो क्या कह रहा है चेक द मेन चिप, अगर ये सही है ठीक है वेब फॉर्म क्या कह रहा है कि इस पे आप ऑसिलेटर पिन नंबर एक और तीन पे क्या करोगे आप
लुक ओवर द वेवफॉर्म, वेवफॉर्म यानी कि डिजिटल की जितने भी रेडियो चलती है फ्रिक्वेंसी वेव, उस पर आप चेक करोगे किसका यूज करके, ऑसिलोस्कोप का, ठीक है। ऑसिलोस्कोप डिजिटल सीआरओ देखे हो, मैं चलो नहीं देखो अस्पतालों में लगता है, जो तुम्हारा दिल लगता है ना ऐसे से चलता है, जब ऐसे से बंद हो जाता तो आदमी मर जाता है ना, आदमी खत्म हो जाता है। वो तुम्हारे जो हृदय होता है उसकी पल्सेस को नापता है, ऑन ऑफ होता है आपका, तो वही ऐसे से लाइनिंग चलती है। अगर वो बंद हो जाए ठीक है, सांसें चलती हैं, हाँ वही ठीक है, नहीं सीधा चलने लगता है। देखोगे मूवी वगैरह में यार ठीक है, अरे सीधा डिजिटल सिग्नल पे आके चलता है, डिजिटल भाई सिग्नल तो कितने देखे चलते, एक तो चलता ऐसे ऐसे सांप की तरह कि तुम्हारा क्या हो गया एसी हो गया, या हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी ऐसी चलती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। डिजिटल जो मोबाइल के अंदर प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से चलती है, ऐसे 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 ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी इसके अंदर से जो है निकलती है। वेब फॉर्म ये चेक करेंगे डिजिटल सीओ पे, बात आ रही चल, ये खुद बता रहा है आपको, कुछ नहीं करना है यार, चेक करते जाओ, खुद बता रही है। अगर ये भी सही है तो क्या कह रहा है, VDD कोर वोल्टेज 1.1 वोल्ट, कितना चेक करना है, 1.1 वोल्ट चेक करना है, कहां पे चेक करना है, टेस्ट पॉइंट L, L 100, C 100, C 103, नहीं आएगा तो क्या कह रहा है, रीसोल्ड, यानी कि रीसोल्ड कर सकते हो, L100, C और C, क्या C100 और C 103, रीसोल्ड निकाल के या सोल्डिंग करके आप कर सकते हो। तो क्या कह रहा है ये, अब ये एल कहाँ लगी है या सी कहाँ लगा, तो सीधी सी बात क्या कर रहे हैं बताओ, क्या करेंगे राहुल, यहाँ से ये पूरा कॉपी कर ले, ये वाला बस क्वाइल 100 को, बिल्कुल सही, कोई अगर दिमाग भटकाने की कोशिश करे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल 100 अगर आपसे कोई कहे कि आप जानवर हो कि मच्छर हो, दो ऑप्शन है तो तुम क्या हो, कोई नहीं है भाई, सीधी सी बात है यार, इंसान है ठीक। अब इंटर करना है आपको, यहाँ से इंटर, ये आगे रिसोल्ड करने के लिए यहाँ पे लगा है L100 ठीक है, उसमें 1.1 वोल्ट ऑलरेडी दिखाया गया। अब ये मदरबोर्ड में कहाँ पे लगी है चेक कर, इसके जस्ट बगल में, उसके बगल में C101 भी जो अच्छा लगता है वो ऑपरेशन आप कर सकते हो, ऐसी निकाल के रिवॉल्व कर सकते हो, हीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब इसके नीचे आप की सर्किट दी गई पूरी पूरी, क्या क्या आपको डेड फोन में चेक करना है ठीक है। फर्स्ट नंबर तो दिया है ऑसिलेटर, क्या दिया है ऑसिलेटर दिया है, चेक कर सकते हो L100 पे 1.1 वोल्ट चेक कर सकते हो। इसमें क्या चेक करोगे, पिन नंबर 3 और 1 पे वेव फॉर्म चेक करो, वेव फॉर्म की जरूरत नहीं है, हम निकाल उठा लगा सकते हो। इसमें वोल्टेज चेक कर लो, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये आप नहीं खर्च करोगे भाई मेरे, डिजिटल सेलो लेके बैठोगे, पिन उसकी अंदर की तरफ होती है, यही समस्या है। वी बैट यानी कि बैटरी जो वोल्टेज आता है, तो कहाँ से 102 पे चेक कर लो, एक्सराज का ग्राउंड क्या है, एक ठंडा ग्राउंड है। इसके बाद 1.1 वोल्ट और कहाँ चेक करेंगे, C100 C103 एक्सरा, दोनों का एक्सरा ग्राउंड है। इसके बाद जनरल डायोड, जनरल का एक्सरा ग्राउंड है, ZD100 का CX4 और CX1 कैसे कनेक्टेड है, वी बैट से। अब ये कंपोनेंट शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो आप उसकी शॉर्टिंग हटा भी सकते हो, ऐसे तरीके से ट्रेस करना है। बाहर लगाइए, ऐसा बाहर लगाइए, बाहर भी होता है,
नहीं माना उसका आशी के अंदर रहने का, बाहर निकल आया क्या दिक्कत। तो डिजाइनर के ऊपर है भाई, फिर चार्जिंग की बात कर रहे हैं ये, और ऑन है भाई, और सिस्टम में लगा हुआ है वो कुछ नहीं, UWBW कुछ नहीं। इसमें इतनी सारी कोडिंग है कि आप उसके अगर कोडिंग आते होगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये बताया ना मैंने कि आपने सीखी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर भी इलेक्ट्रॉनिक है। माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग अलग होती है, ठीक है, उसकी याद करके करोगे क्या? डिजाइन करना है मोबाइल बताओ, डिजाइन करने के लिए आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आने आना चाहिए, ठीक है। वन प्लस वन तुम्हारे हिसाब से दो होता है, ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में वन प्लस वन दस होता है, वन जीरो होता है, दस होता है। चार्जिंग पार्ट आगे, अगर चार्जिंग की बात करें तो उसमें ऑलरेडी दिया गया है क्या?